पहली बात तो आपका धन्यवाद। मैं पहले भी करीब करीब 4 वर्ष अरुणाचल प्रदेश में कार्य कर चुका हूँ, और 1983 से लेकर 1993 तक, 89 to 93 मैं अरुणाचल प्रदेश में कार्य किया है। उस टाइम दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, इन दो जगह पे कार्य किया था। जहाँ तक सवाल मुख्य सचिव की जिम्मेदारी का है, तो मेरी सबसे बड़ी यानी प्राथमिकता ये है कि जो अरुणाचल सरकार की जो पॉलिसी हैं, प्रोग्राम्स हैं और जो उनका विज़न है, उसको सभी अफसरों के साथ और सभी डिपार्टमेंट को के सहयोग से उस विज़न को जमीन पर उतारना है। तो ये तो सबसे यानी सर्वप्रथम ये कर रहे हैं कि जो भी सरकार ने अपना एक विज़न बनाया है, एक मिशन है, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, जो उनकी ड्रीम है कि अरुणाचल प्रदेश शुड बी द राइजिंग सन, राइजिंग स्टेट ऑफ द एंटायर कंट्री, उस पर हम पूरे दिलो जान से कार्य करके और उसको एक आने वाले शॉर्ट ड्यूरेशन में उस चीज़ को कार्य पे करें। अच्छा, इसके लिए दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो यह है कि जो हमारा सरकारी तंत्र है, उसके सहयोग बहुत लाजमी है, और दूसरा ये कि जो अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे सिटीजन्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, वो उनका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। आप बड़ी अच्छी तरह, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो पोटेंशियल है, आप किसी भी फील्ड में उठाकर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो हाइड्रो पावर है, जहाँ तक कि पूरा असेसमेंट हमने किया यानी सरकार ने किया हुआ है कि 50,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है अरुणाचल प्रदेश में, और इसी के साथ साथ टूरिज्म है। तो ये जो, और एक चौथा ये है कि जो जिससे कि एक यहाँ पर रहने वाले आम आदमी को कम्युनिकेशन की बहुत यहाँ ज़रूरत होती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जैसे कि आपको मालूम है कि ये नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है, नॉर्थ ईस्ट का, और ईस्ट टू वेस्ट हजारों किलोमीटर लंबा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रोड नेटवर्क है, उसको यानी कि दुरुस्त करने की और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो कोशिश ये रहेगी कि इन ये जो हमारे लिए प्रॉमिसिंग एरियाज हैं, उस पर हम सब लोग मिलके इन सारे कार्य को टाइम बाउंड फैशन में कंप्लीट करें, यही एक अपनी प्राथमिकता रहेगी। ये आपकी बात एकदम सही है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों सेक्टर बहुत अहम हैं, और ये इसलिए और अहम हो जाते हैं कि क्योंकि हमारा जो स्प्रेड है, जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है अरुणाचल प्रदेश का, वो बहुत ज़्यादा है, रिमोट एरियाज़ हैं, पहाड़ के ऊपर हैं। तो इसलिए हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक दो विषय हैं जिसपे कि एक एजुकेशन हमारे लिए फ्यूचर के लिए फाउंडेशन है, और हेल्थ, यदि नागरिक यहाँ पर स्वस्थ रहेंगे तो वो देश के विकास में अपना सहयोग दे पाएंगे। और जहाँ तक सवाल है कोऑर्डिनेशन का, तो मेरा तो मानना हमेशा से रहा है कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, ये टीम होती है। जो टीम सब मिलके जो कार्य कर सकते हैं, वो एक इंडिविजुअल आदमी कभी नहीं कर सकता है। तो अप्रोच ये रहेगी कि जितने भी हमारे यहाँ अधिकारी गण हैं या कर्मचारी हैं, वो हम सब कंधे से कंधा मिला के और जो सरकार की जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उनको जमीन पर चरितार्थ करें। क्योंकि कल मेरा प्रथम दिन था यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के बाद, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी कि मैं राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय दोनों को कॉल ऑन करूँ, और दूसरा उनसे ब्रीफिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के वो दो अभिन्न अंग हैं, और उन्होंने अपने मार्गदर्शन दिया है मेरे को, और जो चीज़ें उनकी प्रायोरिटीज़ में हैं, राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री, उन्होंने मेरे साथ शेयर करी हैं। अतः मेरा अपना पर्सनल विचार है कि कार्य करने में, और जब आप काम पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं, तो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है। बट फिर भी मेरी सभी लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि अरुणाचल प्रदेश जो इतना खूबसूरत एक राज्य है भारत का, इसमें हम सब लोग मिलके विकास का जो एक मार्ग हम लोगों ने चुना है, उसमें सब आदमी अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निर्वाह करें।
स्वतंत्रता दिवस हमें यानी ये एक किसी भी कंट्री के लिए बड़ा ये महत्वपूर्ण दिन होता है, और ये दिन एक हमें ये भी इस बात को भी यकीन दिलाता है कि अभी तक जो हम जब देश आज़ाद 1947 में हुआ हमने एक पाथ एक अडॉप्ट किया है, और उस दिन हम ये देखें कि अभी हमारे सामने जो मंजिल अभी है उस पर कैसे जाया जाए। तो ये स्वतंत्रता दिवस पे हम सभी को सोचने का विषय है, और मैं इस आपके द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।